अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण पर जमकर भड़के शादीशुदा एक्टर रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने पहली बार लगाया बड़ा आरोप, कहा दीपिका और कटरीना की वजह से हो गया हूँ बदनाम। आखिरकार कटरीना और दीपिका ने की ऐसी कौन सी हरकत जिसकी वजह से गुस्से में लाल हुए रणबीर कपूर। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पैसे चैनल में। मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। भाई रणबीर कपूर उन एक्टर्स में से वो एक है जो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पूरी दुनिया या मीडिया से बात नहीं करते, लेकिन ये पहली बार है जब खुलकर रणबीर कपूर ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की है। ना सिर्फ बात की है बल्कि साथ ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण पर भी एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। जी हाँ, शादीशुदा रणबीर कपूर का इल्जाम है कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना और दीपिका पादुकोण की वजह से ही उनको बहुत ज्यादा अपमानित और बहुत ज्यादा बदनाम होना पड़ा। अब कौन सी हरकत की थी कटरीना और दीपिका ने, वो सब बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, चैनल में नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, भले ही रणबीर कपूर आज एक शादीशुदा शख्स हो, भले ही रणबीर कपूर आज एक लड़की के पिता हो, लेकिन इसके बावजूद भी रणबीर कपूर को अपने अतीत को लेकर एक बहुत बड़ा दर्द है जो अब तक वो अपने दिल में दबाए बैठे थे। ये पहली बार है जब रणबीर कपूर ने खुलकर अपने दर्द के बारे में बात की है, अपने अतीत के बारे में बात की है। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब रणबीर कपूर से पूछा गया कि क्या कोई ऐसी बात है जो आज तक आपको दुख पहुंचाती है या जिसे सोचकर आपको दर्द होता हो दिल में, तो उस पर रणबीर कपूर ने कहा कि जब मेरा पास था, जब मैं बहुत यंग था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरा नाम बॉलीवुड की दो बड़ी एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया था। हालांकि हम लोगों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था उस वक्त, लेकिन वो शादी नहीं हो सकी, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद हर कोई दुनिया वालों की नज़रों में मैं एक कैसानोवा बन गया और मेरी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, कैसानोवा उस शख्स को कहा जाता है जो एक साथ कई महिलाओं के साथ रोमांटिक रिश्ते रखता है, जो एक साथ कई महिलाओं को डेट करता है, इनफैक्ट एक साथ कई महिलाओं को चीट करता है। तो कहीं ना कहीं रणबीर कपूर का भी कहना है कि जब उनका दीपिका पादुकोण, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस थी उस टाइम और आज भी है, दीपिका पादुकोण और जब कटरीना कैफ से ब्रेकअप हुआ तो उनको बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा। अब बदनामी क्यों हुई थी वो कि उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल दीपिका पादुकोण ने ये आरोप लगाया था रणबीर कपूर पे कि कहीं ना कहीं उनके साथ रिश्ते में होने के बावजूद भी रणबीर कपूर दूसरी लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट किया करते थे। यहाँ तक कि दीपिका ने खुद ये बात बोली थी कि जब उनका रणबीर कपूर का ब्रेकअप हो गया था तो वो कई सालों तक डिप्रेशन में भी रही। वही बात कर रहे हैं कटरीना कैफ की, तो कटरीना कैफ ने भी रणबीर कपूर पर यही इल्जाम लगाया था। कटरीना कैफ का भी कहना था कि रणबीर कपूर कभी भी उनके साथ रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं थे। जब शादी का वक्त आया, कई सारे लोग कटरीना और रणबीर रिश्ते में भी रहे, और कई जब शादी का वक्त आया, जब कटरीना शादी करना चाहती थी, तो रणबीर कपूर ने पल्ला झाड़ दिया, जिसकी वजह से भी रणबीर कपूर की बहुत ज्यादा बदनामी हुई। ना सिर्फ कटरीना दीपिका बल्कि सोनम कपूर, नरगिस, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस है जिनके साथ रणबीर कपूर का नाम जुड़ा और कहा गया कि रणबीर कपूर सिर्फ लड़कियों के साथ रोमांस करते हैं और कुछ सालों बाद उन्हें छोड़ देते हैं। रणबीर कपूर ने भले ही इस इंटरव्यू में पर्टिकुलर दीपिका और कटरीना का नाम ना लिया हो, लेकिन रणबीर कपूर का साफ कहना है कि इन्हीं बड़ी एक्ट्रेस की वजह से मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, क्योंकि इन लोगों ने, जब मेरा ब्रेकअप हो गया इनसे, तो उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला था, बहुत कुछ गलत बोला था, जो कि ऐसा है नहीं। मैं ना ही कोई कैसानोवा हूँ और मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, ये रणबीर कपूर का कहना है। रणबीर कपूर का कहना है भले ही आज वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अब भी उनको दर्द होता है, क्योंकि अभी भी लोग उनको उसी तरह की इमेज से देखते हैं, उसी तरह का लड़का समझते हैं जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता। फिलहाल आपको बता दें कि रणबीर कपूर कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसे बात नहीं करते। ये पहली बार है जब रणबीर कपूर ने खुलकर अपने दिल का दर्द पूरी दुनिया के सामने रखा है और कहीं ना कहीं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ को बिना कुछ कहे ही बहुत बड़ा उन पर इल्जाम लगा दिया है। अब इस पूरे मामले में इन दोनों एक्ट्रेसेस का क्या कहना है, दीपिका और कटरीना का क्या जवाब आता है, इस पर मेरी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज का मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं है।